हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है बाईपन भारी देवा जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो था वुमन हुड इज़ टफ ये एक मराठी लैंग्वेज फिल्म है तो फिल्म का मराठी हिंदी दोनों वर्जन कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग देंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस करने वाले इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी जो इंटरेस्टिंग तथ्य है जो बातें वो शेयर की जाएगी साथ ही में आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वो भी शेयर करने वाले तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू का थी वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हज़ार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीज़ें काफ़ी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट ट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी परसेंट शूटिंग के बाद बीस परसेंट की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कंप्लीट की हुई थी जहां पर इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके सभी चीज़ें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पे यह फिल्म तैयार नहीं थी जहां पे पहले फिल्म 28 मई 28 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी उसके बाद कई दो थी। सारे, सारे फैक्टर्स थे लेकिन फाइनली थिएटर रिलीज हुई थी वहां पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात कर लेते इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहां पर फिल्म की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डायरेक्ट किया

थे सुकन्या कुलकरणी सुचित्रा बंदेकर दीपा परब शिल्पा नवालकर जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे छह फीमेल लीड थी इस फिल्म में जहां पे फीमेल सेंट्री की फिल्म थी जो मिडिल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमेन इंपॉवरमेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किए डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें

दो वर्जन थे एक regular, एक वर्जन, दोनों के लिखे हुए थे कुछ से और ट्रेडिशनली उसको टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहां पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना के डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का रोल

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दयामा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहमी है सोम बधनकर बात कर रहा हूँ चिन्मई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया है चारू के जो ट्विंस थे

और फिल्म की रिलीज भी शेयर की गई थी जहां पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेम्पल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर तेरह जून दो को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ की प्रेजेंस में सत्यनारायण एस वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पे एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंधियाजीत भूरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्री फिल्म के लिए रोहिणी हतगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नावलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वडमाउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थिएट्रिकली 30 जून 2023 को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते एम डी पी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ सौ छाछठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पे भी काफी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस तीन सौ पचास स्क्रीन के साथ थिएट्रिकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छह करोड़ पैंतालीस लाख और दो जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां पर कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कंप्लीट हुआ जहाँ पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाइएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने सेकंड हाइएस्ट ऑल टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पाँच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका मतलब फिलहाल में फिल्म डिज्नी प्लस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहां पे मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन इस फिल्म का जो हिंदी है वो सभी से, उन्होंने इस फिल्म की की तो, थी, थी, तो बाईपन भारी देवा फिल्म का हिंदी वर्जन देखने में भी आपका किरकिरा नहीं होगा ओरिजिनल आर्टिस्ट के द्वारा ही फिल्म को डब किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म आपको डिजनी प्लस के ऊपर मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि पन भारी देवा फिल्म मराठी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर तो के ऊपर कर पाओगे वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कंप्लीट की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन की उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके आ, सभी चीज़ें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज़ भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पर ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पे पहले फिल्म अट्ठाईस मई दो को रिलीज़ होने वाली थी उसके बाद अट्ठाईस जनवरी दो को उसके बाद छः जनवरी दो को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टमण की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई कहीं सारे, सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थिएटर की रिलीज हुई थी वहां पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात कर लेते इस फिल्म के अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर जहां पर इस फिल्म की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और राइटिंग थी वो वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत बुरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था एमवीबी मीडिया और जियो स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के द्वारा फिल्म फिल्म को को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को मयूर राणा ने किया हुआ था लीड कास्ट में हथकंदी वंदना गुप्ते सुकन्या कुलकर्णी सुचित्रा बंदेकर दीपा परब शिल्पा नवालकरकर जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे छह फीमेल लीड थी इस फिल्म में जहां पे फीमेल की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमन इंपॉर्मेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किया डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ है जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसकी लेन थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे 2023 में ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म फिल्म का का गाना बाईपन भारी देवा जिसका टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का। उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निम्बलकर ने लिखा हुआ था मुल ने पे पिंगा गाने को मानसी हिदू ने गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स थे मंगल और गोरू करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड़ ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पे कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हतकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल रोल में में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है पाटिल इस फिल्म शिल्पा नवलकर का प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना के डोटर इन लोग का रोल यानी कि माधुरी

शेखर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामा कांत दयामा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहमी है सोम बधनकर के बात कर रहा हूँ चिन्मई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया है चारू के जो ट्विन थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला सिंधे और नैना देखने को मिलते तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्ट और क्रू के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म की रिलीज भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल दो हजार को रिलीज किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेम्पल मुंबई में वहाँ पर विजिट करने के बाद टीम मेम्बर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था ऑफिशियल ट्रेलर तेरह जून दो को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ़ की प्रेजेंस में सत्यनारायण ने वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पे एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंधी अजीत पुरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छ एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वोमन सेंट्रिक फिल्म के लिए रोहिणी हतगन्धी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा का जैसे क्रस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक बस्टर का टेक लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वाड माउथ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थियेट्रिकली तीस जून दो को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते एम डी पी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ सौ छाछठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस तीन सौ पचास स्क्रीन के साथ थिएट्रिकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छह करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां पर कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कंप्लीट हुआ जहां पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाइएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहां पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पांच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका मतलब फिलहाल में फिल्म डिज्नी प्लस होस्टार के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहां पे मराठी और हिंदी, दोनों वर्जन इस फिल्म का जो हिंदी है वो सभी एक्टर से, उन्होंने इस फिल्म की की तो, थी, थी, तो बाईपन भारी देवा फिल्म का हिंदी वर्जन देखने में भी आपका किरकिरा नहीं होगा ओरिजिनल आर्टिस्ट के द्वारा ही फिल्म को डब किया प्लस के ऊपर मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बाइपन

गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कम्प्लीट की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कम्पलीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कम्प्लीट करके आ, सभी चीज़ें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज़ भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पे ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पे पहले फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज़ होने वाली थी उसके बाद 28 जनवरी 2022 को उसके बाद 6 जनवरी 2023 को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टपोन की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई कहीं सारे, सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थिएटरली रिलीज हुई थी वहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात कर लेते इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी एड और राइटिंग थी वो वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत बुरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था एमवीबी मीडिया और जियो स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के द्वारा फिल्म फिल्म को को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को मयूर राणा ने किया हुआ था लीड कास्ट में हथकंदी वंदना गुप्ते सुकन्या कुलकर्णी सुचित्रा बंदेकर दीपा परब शिल्पा नवालकर जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे छह फीमेल लीड थी इस फिल्म में जहां पे फीमेल की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमेन इंपॉवरमेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किया डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ है जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसकी ले सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे 2023 में ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म फिल्म का का गाना बाईपन भारी देवा जिसका टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का। उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निम्बलकर ने लिखा हुआ था वले मुल वलयुन जहाँ पे पिंगा गाने को मानसी हिदू ने गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स थे मंगल और गोरू करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड़ ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पे कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहां पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना के डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दयामा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहम ही है सोम बधनकर के बात कर रहा हूँ चिन्मई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया है चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला और नईना नेहरूलकर देखने को मिलते हैं तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्ट वर्क के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म की रिलीज भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल दो को रिलीज किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेंपल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर 13 जून 2023 को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ की प्रेजेंस में सत्यनारायण ने वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रसता था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म के अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंध अजीत के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए रोहिणी हथगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नवलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वड़माउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थिएट्रिकली 30 जून 2023 को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है जिसके चलते आएम डी पी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ सौ छाछठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस तीन सौ पचास स्क्रीन के साथ थिएट्रिकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छह करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कंप्लीट हुआ जहां पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहां पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पांच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका मतलब फिलहाल में फिल्म डिज्नी प्लस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहां पे मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन शामिल की थी, थी, तो बाईपन भारी देवा फिल्म का हिंदी वर्जन देखने में भी आपका मजा ओरिजिनल किर आर्टिस्ट के द्वारा ही फिल्म को डब किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म आपको डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में विंग्लिस सब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता कि पन भारी देवा फिल्म मराठी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विध इंग्लिश टाइटल विद सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से बाईपन भारी देवा फिल्म आप ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कंप्लीट की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके आ, सभी चीज़ें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पर ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पर पे पहले फिल्म अट्ठाईस मई दो को रिलीज होने वाली थी उसके बाद अट्ठाईस जनवरी दो को उसके बाद छह जनवरी दो को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की, की थी उसके पीछे सारे थे, का सारे थे। लेकिन जब की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी एड और राइटिंग थी वो वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत बुरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था एमवीबी मीडिया और जियो स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के द्वारा फिल्म फिल्म को को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को मयूर राणा ने किया हुआ था लीड का रोहितिंदी वंदना गुप्ते सुकन्या कुलकर्णी सुचित्रा बंदेकर दीपा परब शिल्पा नवालकरकर जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे छह फीमेल लीड थी इस फिल्म में जहां पे फीमेल की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमन इंपॉवरमेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किए डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ है जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसकी लिए हिंदी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे 2023 में ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म फिल्म का का गाना बाईपन भारी देवा जिसका टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का। उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निंबल करने लिखा हुआ था वले मुल पे पिंगा गाने को मानसी हिदू ने गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स थे मंगल और गोरूकर करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पे कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना के डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकां दयामा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते हैं सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहम ही है सोहम सोम बधनकर बात कर रहा हूँ चिन्मई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिनमई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया हुआ चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला और नईना नेहरू देखने को मिलते हैं तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्टू के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म की रिलीज भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल दो हजार को रिलीज किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेंपल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर 13 जून 2023 को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ की प्रेजेंस में सत्यनारायण एस वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रश था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म के अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया बी से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंध अजीत भूरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्री फिल्म के लिए रोहिणी हतगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नवलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में में कोविड के के बाद बाद इस फिल्म फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लिपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही स्लिपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वड़माव था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थिएट्रिकली 30 जून 2023 को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉस आया जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने फिलहाल में आठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस के साथ थिएटरकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छः करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइप रन कंप्लीट हुआ जहां पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पांच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ टी टी राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ टी टी राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका

पन भारी देवा फिल्म मराठी ओरिजिनल लैंग्वेज के वर्जन में ऊपर तो वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कंप्लीट की हुई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके आ, सभी चीजें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पर ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पर पे पहले फिल्म अट्ठाईस मई दो को रिलीज होने वाली थी उसके बाद अट्ठाईस जनवरी दो को उसके बाद छह जनवरी दो को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टम की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थिएट्रिकली रिलीज हुई थी वहां पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात कर लेते इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहां पे इस फिल्म की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और राइटिंग थी वो वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत भूरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया

फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस दिखाया दिखाई गई है इसके जिस तरह से जो वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किया डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ। जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसके लिए सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे 2023 में ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था, 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 था मानसी हिदू ने गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स थे मंगल और गोरू करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पे कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना के डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का रोल

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दया मा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते हैं सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहमी है सोम बधनकर के बात कर रहा हूँ चिनमई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिनमई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया हुआ चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला सिंधे और नईना नेहरूलकर देखने को मिलते तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्ट वो के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म के रिलीज की रिलीज़ भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीज़र था वो 28 अप्रैल दो को रिलीज़ किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेंपल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर तेरह जून दो को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ की प्रेजेंस में सत्यनारायण ने वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंध अजीत के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए रोहिणी हथगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नवलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वड़माउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थिएट्रिकली 30 जून दो हजार तेईस को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉस आया जिसके चलते आएम डी पे इस फिल्म ने फिलहाल में आठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस तीन सौ पचास स्क्रीन के साथ थिएटरकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छः करोड़ पैंतालीस लाख और दो

पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरा वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज़ हुई थी उसके बावजूद उस फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कम्प्लीट हुआ जहाँ पर ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाइएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहाँ पर इस फिल्म ने सेकंड हाइएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों

वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कंप्लीट की हुई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहां पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके सभी चीजें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म लेकिन की रिलीज डेट के पे ये फिल्म नहीं थी। जहां पर पे पहले फिल्म मई इक्कीस को रिलीज होने वाली थी उसके अट्ठाईस दो जनवरी तेईस को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टपोन की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थिएट्रिकली रिलीज हुई थी वहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात करें थे इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहां पे इस फिल्म की कहानी को डायरेक्ट किया हुआ है ने जिन्होंने इससे पहले भी काफ़ी अच्छी फिल्मों को लिखा और और डायरेक्ट किया हुआ स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी आइडिया राइटिंग थी वो वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत बुरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था एम मीडिया और जियो स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पी पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को मयूर हरिदास ने एडिट किया था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ मिनट यानी कि दो घंटे 17 का टाइम दिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का जो सिनेमेटोग्राफी है छह फीमेल लीड थी इस फिल्म में जहाँ पे फीमेल सेंट्री की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमन डिपार्टमेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किया डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ है जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट्स राइट दी खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसकी लिए थी सोलह मिनट एक सेकंड जहां पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे दो में ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म का पहला गाना बाईपन भारी देवा जिसका टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निम्बलकर ने लिखा हुआ वाले जहां पे पिंगा गाने को हिदु ने गाया हुआ था से, मंगल और के गाना था ने हुए थे, कुछ से और उसको, तो उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पर द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहां पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पर वीडियो वीडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हतकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना की डोटर इन लोग का रोल यानी कि माध्यम का रोल है वो रिया शर्मा ने प्ले किया हुआ है जया के हस्बैंड अरुण देसाई उसका रोल सतीश जोशी ने प्ले किया हुआ काकड़े का रोल है वो प्ले किया के फादर इन लॉ यानी कि अन्ना का जो रोल है वो शरद पों ने प्ले किया हुआ है चारू के हस्बैंड आशुतोष देशमुख का रोल है वो पीयूष रानाडे ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा के हस्बैंड यानी कि वैभव पाटिल का जो रोल है वो सपने शेखर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार रामाकां देखने को मिलते हुआ सोहम का जो उसमें फिल्म भी उनका नाम सोहमी है सोम बधनकर की बात कर रहा हूँ चिन्मई के मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया है चारू के जो ट्वीट

और फिल्म के रिलीज की रिलीज़ भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीज़र था वो 28 अप्रैल दो हज़ार को रिलीज़ किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेंपल मुंबई में वहां पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर 13 जून 2023 को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ की प्रेजेंस में सत्यनारायण ने वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंध अजीत भूरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए रोहिणी हथगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नावलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में

फिल्म ने जिस तरह से वडमाउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थियेट्रिकली 30 जून 2023 को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते एम डी पी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस के साथ थिएटरकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छह करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां पर कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज़ हुई थी उसके बावजूद उस फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइप रन कंप्लीट हुआ जहाँ पे ये फ़िल्म अभी फिलहाल में सेकंड हाइएस ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पाँच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉट वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका मतलब फिलहाल में फिल्म डिजनी प्लस हॉट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन शामिल है इस फिल्म का जो हिंदी डब है वो सभी ओरिजिनल

पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहां पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके सभी चीजें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पर थी जहां पर पे पहले फिल्म अट्ठाईस मई दो को रिलीज होने वाली थी उसके बाद अट्ठाईस जनवरी दो को उसके बाद छह जनवरी दो को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टपोन की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई कहीं सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थिएटर के लिए रिलीज हुई थी वहाँ पर फिल्म

किया था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन आ, का यानि का फिल्म का कर, परव, कर, एक सौ मिनट यानी कि दो घंटे सत्रह मिनट का दीपा परब शिल्पा नवालकर जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे छह फीमेल लीड थी इस फिल्म में जहाँ पे फीमेल सेंट्री की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है

टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निम्बलकर ने लिखा हुआ था वले मुल ने ने पे पिंगा गाने को मानसी गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स मंगल वलयूल गोरूकर के गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे आदित्य द्राविड़ ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स थे और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पे कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहां पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डॉटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना की डोटरिनो का रोल यानी कि माधवी का रोल

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दयामा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते हैं सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहम ही है सोम बधनकर के बात कर रहा हूँ चिनमई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया हुआ चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला सिंधे और नईना नेहरुलकर देखने को मिलते तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्ट और क्रू के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म रिलीज की रिलीज़ भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीज़र था वो 28 अप्रैल दो हज़ार को रिलीज़ किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेम्पल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर तेरह जून दो को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक शराब की प्रेजेंस में सत्यनारायण ने वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंधियाजीत भूरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए रोहिणी हतगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नावलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफ़ी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वडमाउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थियेट्रिकली 30 जून दो हजार को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉस आया जिस जिसके चलते आएड डी पी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ सौ छाछठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस तीन सौ पचास स्क्रीन के साथ थिएट्रिकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छः करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां पर कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कंप्लीट हुआ जहाँ पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाइएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने सेकंड हाइएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पाँच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका

भारी देवा फिल्म मराठी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से बायपन भारी देवा फिल्म सेवा फिल्मी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कम्प्लीट की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कम्पलीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन की उसके बीच में इस फिल्म को कम्प्लीट करके सभी चीज़ें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज़ भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पे ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पे पहले फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज़ होने वाली थी उसके बाद 28 जनवरी 2022 को उसके बाद 6 जनवरी 2023 को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टमण की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई कहीं सारे, सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली रिलीज हुई थी थियर पे बॉक्स ऑफिस पर काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात कर लेते इस फिल्म के के अलग अलग ऊपर जहाँ पे, के उपर, जहां पे इस फिल्म की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और राइटिंग थी और वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत बुरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया

की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमेन इंपॉर्मेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किए डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ है जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसकी लेन थी सोलह मिनट एक सेकंड जहां पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे 2023 में ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म का फेला गाना बाईपन भारी देवा जिसका टाइटल ट्रेक था वो फिल्म का उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निम्बलकर ने लिखा हुआ था वलयूल ने जहाँ पे पिंगा गाने को मानसी हिदू ने गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स से मंगल और गोरू करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पर कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज़ करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना की डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दयामा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहम ही है सोहम सोम बधनकर बात कर रहा हूँ चिन्मई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया है चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया आठ मार्च दो हजार तेईस को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहां पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्ट वर्क के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म की रिलीज भी शेयर की गई थी जहां पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल दो हजार को रिलीज किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेम्पल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर तेरह जून दो को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराब की प्रेजेंस में सत्यनारायण ने वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंधियाजीत भूरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वमन सेंट्री फिल्म के लिए रोहिणी हतगन्धी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नवलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वडा माउथ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थिएट्रिकली 30 जून 2023 को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते एम डी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस के साथ थिएटरकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छः करोड़ पैंतालीस लाख और 2023 जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां पर कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कंप्लीट हुआ जहाँ पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाइएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पांच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका मतलब फिलहाल में फिल्म डिज्नी प्लस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहां पे मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन इस फिल्म का जो हिंदी है वो सभी तो बाईपन भारी देवा फिल्म का हिंदी वर्जन देखने में भी आपका किरकिरा नहीं होगा ओरिजिनल आर्टिस्ट के द्वारा ही फिल्म को डब किया हुआ है तो फिलहाल आपको फिल्मी प्लस होस्टार के ऊपर मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बाइपन पन भारी देवा फिल्म मराठी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में और के उपर, और के कर पाओगे वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कंप्लीट की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके आ, सभी चीज़ें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पे ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पे पहले फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होने वाली थी उसके बाद 28 जनवरी 2022 को उसके बाद 6 जनवरी 2023 को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टमंड की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई कहीं सारे, सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थिएटरकली रिलीज हुई थी वहां पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात कर लेते इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और राइटिंग थी वो वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत बुरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया

की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों की अपने अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमेन इंपॉवरमेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेजेस इसमें डिलीवर किया डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ है जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसकी लेन थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे 2023 में ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म का फेला गाना बाईपन भारी देवा जिसका टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निम्बलकर ने लिखा हुआ था मुल पे पिंगा गाने को मानसी हिदू ने गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स से मंगल और गोरू करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड़ ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पे कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहां पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना के डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दयामा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते हैं सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहमी है सोम बधनकर के बात कर रहा हूँ चिनमई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया है चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला और नैना देखने को मिलते हैं तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्ट वर्क के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म के रिलीज की रिलीज़ भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल दो हज़ार को रिलीज़ किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेम्पल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर तेरह जून दो को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ़ की प्रेजेंस में सत्यनारायण एस वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म के अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंध अजित के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्री फिल्म के लिए रोहिणी हथगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नवलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वड़माउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थियेट्रिकली 30 जून 2023 को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है जिसके चलते आएम डी पी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ सौ छाछठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस तीन सौ पचास स्क्रीन के साथ थिएट्रिकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छह करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का 12 करोड़ का था दूसरा वीक 24 करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में वी इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कंप्लीट हुआ जहां पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाइएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहां पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पांच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका मतलब फिलहाल में फिल्म डिज्नी प्लस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहां पे मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन शामिल की, की तो थी, थी, तो बाईपन भारी देवा फिल्म का हिंदी वर्जन देखने में भी आपका किरकिरा नहीं होगा ओरिजिनल आर्टिस्ट के द्वारा ही फिल्म को डब किया है तो फिलहाल में फिल्म आपको डिजनी प्लस के ऊपर मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिल जाएगी तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि पन भारी देवा फिल्म मराठी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से बाईपन भारी देवा फिल्म आप ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कंप्लीट की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके आ, सभी चीजें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पर ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पर पे पहले फिल्म अट्ठाईस मई दो को रिलीज होने वाली थी उसके बाद अट्ठाईस जनवरी दो को उसके बाद छह जनवरी दो को ये फिल्म रिलीज होने वाली

था एमवीबी मीडिया और जियो स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के द्वारा फिल्म फिल्म को को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को मयूर राणा ने किया हुआ था लीड का हथकंदी वंदना गुप्ते सुकन्या कुलकर्णी सुचित्रा बंदेकर दीपा परब शिल्पा नवालकर जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे छह फीमेल लीड थी इस फिल्म में जहां पे फीमेल ट्री की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमेन इंपॉवरमेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किया डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ है जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसकी ले सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे 2023 में ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म फिल्म का का गाना बाईपन भारी देवा जिसका टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का। उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निम्बलकर ने लिखा हुआ था वले मुल पे पिंगा गाने को मानसी हिदू ने गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स थे मंगल और गोरू करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड़ ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पे कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना के डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दयामा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते हैं सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहमी है सोम बधनकर के बात कर रहा हूँ चिन्मई मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया है चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला और नैना नेहरूलकर देखने को मिलते तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्टू के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म की रिलीज भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल दो को रिलीज किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेंपल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर 13 जून 2023 को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ़ की प्रेजेंस में सत्यनारायण एस वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंध अजित भूरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्री फिल्म के लिए रोहिणी हथगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नवलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वडमाउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थिएट्रिकली 30 जून 2023 को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है जिसके चलते आएम डी पी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस के साथ थिएटरकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छः करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्म में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कंप्लीट हुआ जहां पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहां पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पांच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ टी टी राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ टी टी राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका मतलब फिलहाल में फिल्म डिज्नी प्लस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहां पे मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन शामिल की, की तो थी, थी, तो बाईपन भारी देवा फिल्म का हिंदी वर्जन देखने में भी आपका मजा किरकिरा नहीं होगा ओरिजिनल आर्टिस्ट के द्वारा ही फिल्म को डब किया हुआ है तो फिलहाल आपको फिल्मी प्लस के ऊपर मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में विथ इंग्लिस सब टाइटल देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता कि पन भारी देवा फिल्म मराठी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश विध इंग्लिशल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से बाईपन भारी देवा फिल्म आप ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कंप्लीट की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके सभी चीज़ें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पर ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पर पे पहले फिल्म अट्ठाईस मई दो को रिलीज होने वाली थी उसके बाद अट्ठाईस जनवरी दो को उसके बाद छह जनवरी दो को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टपोन की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई कहीं सारे, सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थिए रिलीज हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात कर लेते इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहां पे इस फिल्म की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी एड और राइटिंग थी वो वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत बुरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया

के फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमन इंपॉवरमेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किया डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ है जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसकी लिए हिंदी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे 2023 में ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म फिल्म का का गाना बाईपन भारी देवा जिसका टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का। उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निंबल करने लिखा हुआ था मुल ने पे पिंगा गाने को मानसी हिदू ने गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स थे मंगल और गोरू करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पे कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना की डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का रोल

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दया मा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते हैं सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहमी है सोम बधनकर के बात कर रहा हूँ चिनमई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिनमई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया हुआ चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला सिंधे और नईना नेहरूलकर देखने को मिलते तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्टू के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म की रिलीज भी शेयर की गई थी जहां पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल दो हजार को रिलीज किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेंपल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर 13 जून 2023 को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ की प्रेजेंस में सत्यनारायण ने वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रसता था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया बी से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंध अजीत भूरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए रोहिणी हतगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नवलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टेक लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वड़माउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थिएट्रिकली 30 जून 2023 को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉस आया जिसके चलते आएम डी पे इस फिल्म ने फिलहाल में आठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस के साथ थिएटरकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छः करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां पर कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कंप्लीट हुआ जहां पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहां पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पांच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका

भारी देवा फिल्म मराठी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में ऊपर तो कर पाओगे वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कंप्लीट की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके आ, सभी चीज़ें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पर ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पर पे पहले फिल्म अट्ठाईस मई दो को रिलीज होने वाली थी उसके बाद अट्ठाईस जनवरी दो को उसके बाद छह जनवरी दो को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टम की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थिएटरकली रिलीज हुई थी वहां पर बॉक्स ऑफिस पर काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात कर लेते इस फिल्म के अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर जहां पे इस फिल्म की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और राइटिंग थी वो वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत बुरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया

की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस दिखाया दिखाई गई है इसके जिस तरह से जो वुमन वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किए डायरेक्टर ने सभी चीजों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें साई पीयूष ने काम किया हुआ, जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट खरीदे गए थे मराठी लैंग्वेज के लिए टोटल चार गाने थे फिल्म में जिसकी लिए सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक मराठी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे दो ही गाने को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म फिल्म का का गाना भारी देवा जिसका टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का। उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निंबल करने लिखा हुआ था मुल पे पिंगा गाने को मानसी हिदू ने गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स थे मंगल और गोरू करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पे कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना की डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का रोल

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दया माँ देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते हैं सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहमी है सोम बधनकर के बात कर रहा हूँ चिनमई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिनमई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया हुआ चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला सिंधे और नईना नेहरूलकर देखने को मिलते तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्ट व्यू के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म की रिलीज भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल दो हज़ार को रिलीज़ किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेंपल मुंबई में वहां पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर 13 जून 2023 को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ की प्रेजेंस में सत्यनारायण ने वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रश था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंधियाजीत पूरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए रोहिणी हथगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नावलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वड़माउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थियेट्रिकली 30 जून दो हजार को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉस आया जिसके चलते आएम डी पे इस फिल्म ने फिलहाल में आठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस के साथ थिएटरकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छः करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां पर कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज़ हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइप रन कंप्लीट हुआ जहाँ पे ये फिल्म आ, अभी फ़िलहाल में सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पाँच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिस मतलब फिलहाल में फिल्म प्लस होस्टार के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहां पे मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन शामिल इस फिल्म का जो हिंदी बढ़िया को मिलेगी जिस आपको हिंदी वर्जन देखने में भी आपका मजा किरकिरा नहीं होगा ओरिजिनल आर्टिस्ट के द्वारा ही फिल्म को डब किया हुआ है फिलहाल में फिल्म आपको डिजनी प्लस के ऊपर मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी रिपीट कर देता हूं कि बाई पन भारी देवा फिल्म मराठी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी डब वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर तो वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शुरुआत दो हजार में ही हो गई थी कोविड की वजह से चीजें काफी डिले हुई थी दो से पहले इस फिल्म की शूटिंग करीबन अस्सी परसेंट कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हुई अस्सी शूटिंग के बाद बीस की शूटिंग करने में काफी समय लगा क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको फॉलो करते हुए फिल्म ने बाद में लेटर ऑन शूटिंग कम्प्लीट की हुई थी जहां पर इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहाँ पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके सभी चीजें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पे ये फिल्म तैयार नहीं थी जहाँ पे पहले फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होने वाली थी उसके बाद 28 जनवरी 2022 को उसके बाद 6 जनवरी 2023 को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टम की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थियेटर रिलीज हुई थी वहां पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पे काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था अब हम बात कर लेते इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहां पर इस फिल्म की कहानी को डिरेक्ट किया हुआ है अकेदार सिंधे ने जिन्होंने इससे पहले भी काफी अच्छी फिल्मों को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ स्क्रीन प्ले उनका ही था लेकिन इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और राइटिंग थी वो वैशाली नायक ने की हुई थी अजीत बुरे बेला सिंधे मधुरी भोसले के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था एम मीडिया और जियो स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पी के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को मयूर हरिदास ने एडिट किया था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन आ, का एक सौ मिनट यानी कि दो घंटे सत्रह मिनट का रन टाइम दिया हुआ था वहीं पर इस फिल्म का जो सिनेमेटोग्राफी है वो वसुद्धी और राणा ने किया हुआ था लीड कास्ट में रोहित ने हथकंदी वंदना गुप्ते सुकन्या कुलकर्णी सुचित्रा बंदेकर दीपा परब शिल्पा नवालकर जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे छह फीमेल लीड थी इस फिल्म में जहाँ पर फीमेल सेंट्री की फिल्म थी जो मिडिल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है सभी बहनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इसके अलावा जिस तरह से जो वुमन इम्पावरमेंट वाले और भी कई ऐसे मैसेज इसमें डिलीवर किया डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को बखूबी दिखाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट

गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स थे वो आदित्य द्राविड ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स है और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पर कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डोटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना की डोटरिनलो का रोल यानी कि माधवी का रोल

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दया देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते हैं सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहम ही है सोहम सोम बधनकर बात कर रहा हूँ चिनमई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते हैं चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया हुआ चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला सिंधे और नईना नेहरूलकर देखने को मिलते तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्ट वर्क के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म के रिलीज की रिलीज़ भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीज़र था वो 28 अप्रैल दो हज़ार को रिलीज़ किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेंपल मुंबई में वहां पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर 13 जून 2023 को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ की प्रेजेंस में सत्यनारायण एस वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पर एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंध अजीत के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए रोहिणी हथगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नावलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म के शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफ़ी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वडमाउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थिएट्रिकली तीस जून दो को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते एम डी पी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ सौ छाछठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस तीन सौ पचास स्क्रीन के साथ थिएट्रिकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छह करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां पर कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज़ हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइप रन कंप्लीट हुआ जहाँ पे ये फ़िल्म अभी फिलहाल में सेकंड हाइएस ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने सेकंड हाईएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पाँच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का, का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉट वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका मतलब फिलहाल में फिल्म डिजनी प्लस हॉट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर मराठी और हिंदी डब दोनों वर्जन शामिल है इस फिल्म का जो हिंदी डब है वो सभी ओरिजिनल

पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था जहां पे दो तीन जो वेव आई हुई थी लॉकडाउन के उसके बीच में इस फिल्म को कंप्लीट करके सभी चीजें स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में रिलीज भी होने वाली थी फिल्म लेकिन फिल्म की रिलीज डेट के टाइम पर फिल्म तैयार नहीं थी जहां पर पे पहले फिल्म अट्ठाईस मई दो को रिलीज होने वाली थी उसके बाद अट्ठाईस जनवरी दो को उसके बाद छह जनवरी दो को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तीन तीन बार रिलीज डेट इस फिल्म की पोस्टमंड की गई थी उसके पीछे कई सारे रीजन थे कई कहीं सारे फैक्टर्स थे लेकिन जब ये फिल्म फाइनली थिएटर के लिए रिलीज हुई थी वहाँ पर फिल्म

एडिट किया था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ तैतीस मिनट यानी कि दो घंटे सत्रह मिनट का रन टाइम दिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म का जो है वो और राणा ने ने किया हुआ था लीड कास्ट में ने हतकंदी, वंदना सुकन्या कुलकर्णी सुचित्रा बंदेकर दीपा परब शिल्पा नवालकर जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे छह फीमेल लीड थी इस फिल्म में जहाँ पे फीमेल सेंट्री की फिल्म थी जो मिडल एज वीमेन रहती है जो सभी बहनें थी उनकी कहानी को इस फिल्म में दिखाया हुआ है जहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया हुआ है

टाइटल ट्रैक था वो फिल्म का उसको गाया हुआ था साई प्रसाद निम्बलकर ने लिखा हुआ था वले मुल ने ने पे पिंगा गाने को मानसी गाया हुआ था ट्रेडिशनल लिरिक्स से मंगल वलयूल गोरू करके गाना था उसके दो वर्जन थे एक रेगुलर एक ट्रेडिशनल वर्जन दोनों के लिरिक्स से वो आदित्य द्राविड ने लिखे हुए थे कुछ लिरिक्स से और ट्रेडिशनली उसको मिक्सअप किया हुआ था तो जो रेगुलर वर्जन था उसको सामने रविंद्र ने गाया हुआ था वहीं पर कोरस के द्वारा ट्रेडिशनल वर्जन गवाया गया था तो टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट एक सेकंड जहां पे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गाने रिलीज करवाए गए थे तो ये सभी गाने अभी जी म्यूजिक के मराठी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर रोहिणी हथकंदी इस फिल्म में जया का रोल प्ले कर रही है शशि के रोल में वंदना गुप्ते देखने को मिलेंगे साधना के रोल में सुकन्या कुलकर्णी ने काम किया हुआ है केटकी पाटिल इस फिल्म में शिल्पा नवलकर का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी पल्लवी ने इस फिल्म पल्लवी का जो रोल है वो सुचित्रा बंदेरकर ने प्ले किया हुआ है चारू देशमुख के रोल में दीपा परब देखने को मिलती है चीनू जो शशि की डॉटर थी पूरा नाम था चिन्मय उसका रोल सुरुचि आदरकर ने प्ले किया हुआ है साधना के डोटरिनो का रोल यानी कि माधवी का रोल

ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अन्नी यानी कि अनिरुद्ध जो पल्लवी के हस्बैंड का रोल था वो तुषार दालवी ने प्ले किया हुआ है काउंसलर द डॉक्टर जयंत के रोल में आपको रामाकांत दयामा देखने को मिलते हैं यंग साधना का रोल है वो जूलिया मोने ने प्ले किया हुआ है पल्लवी के बेटे के रोल में सोना सोहम देखने को मिलते सोहम का जो उसमें फिल्म में भी उनका नाम सोहमी है सोम बधनकर करके बात कर रहा हूँ चिनमई की मदर इन लो के रोल में नूतन असगांवकर देखने को मिलते चिन्मई के हस्बैंड का जो रोल है वो अक्षय कुलकर्णी ने प्ले किया हुआ चारू के जो ट्विंस थे उसमें अरुण और अर्जुन दो बेटों का रोल अरुण अर्जुन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा डॉक्टर के रोल में आपको बेला सिंधे और नैना नेहरुलकर देखने को मिलते तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की कुछ मार्केटिंग की बात करें तो आठ मार्च दो को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन के ऊपर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर किया था इस फिल्म का पोस्टर जहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया गया था और कास्ट वर्क के बारे में भी डिटेल में शेयर किया गया था और फिल्म की रिलीज भी शेयर की गई थी जहाँ पे जो टीजर था वो 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया उसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म का पहला टाइटल सॉन्ग था उसको 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था महालक्ष्मी टेम्पल मुंबई में वहाँ पे विजिट करने के बाद टीम मेंबर के द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया था उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑफिशियल ट्रेलर तेरह जून दो को रिलीज़ किया जहाँ पे इसको वेटरन एक्टर अशोक सराफ की प्रेजेंस में सत्यनारायण एस वीर सावरकर ऑडिटोरियम में रिलीज़ किया था जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद में यूट्यूब पे एक अच्छा खासा ब्रस क्रिएट हुआ था डिसेंट ब्रस था जहाँ पे जो कंटेंट था उसकी तारीफ की जा रही थी कि शायद ये कंटेंट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा वर्क कर सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग रन रन टाइम के साथ फिल्म ने वो कलेक्शन करके भी दिखाया है जिस स्टूडियो ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में की हुई थी माधुरी बोसले जो एम मीडिया प्रोड से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस फिल्म को उस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बेला सिंध अजीत पूरे के साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म में छह एक्ट्रेस को लिया गया था सिंधे के कास्ट की उन्होंने वुमन सेंट्री फिल्म के लिए रोहिणी हतगंधी सुकन्या मोने वंदना गुप्ते दीपा चौधरी सुचित्रा बंदेलकर और शिल्पा नावलकर जैसे एक्ट्रेस को लिया उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को कोविड से पहले कंप्लीट करवाया था उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया गया था बाद में फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज के लिए तैयार किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया इनिशियली कोई बज नहीं था लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को वीकेंड डिसेंट दिलवा गया उसके बाद में इस, इस फिल्म ने पहले वीक के मुकाबले सेकंड वीक में डबल कलेक्शन किया तीसरे वीक में एक स्टेडी कलेक्शन चौथे वीक में भी एक रिस्पेक्टेड टोटल किया था इस तरह से फिल्म काफ़ी लंबा रन ले गई और जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म स्लीपर हिट या बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही स्लीपर हिट इसलिए कि फिल्म ने जिस तरह से वडमाउ था उसके चलते डे बाय डे एक रिसेंट कलेक्शन और एक स्टेबल कलेक्शन किया था उसके चलते फिल्म को थिएट्रिकली 30 जून 2023 को रिलीज किया था जहां पे जब फिल्म को रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते एम डी पी इस फिल्म ने फिलहाल में आठ सौ छाछठ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से ये पॉजिटिव रेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा ट्रांसफर रहा था पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सौ चालीस तीन सौ पचास स्क्रीन के साथ थिएट्रिकली रिलीज ली हुई थी जिसके चलते ओपनिंग डे के ऊपर सिर्फ सवा करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन वीकेंड पाँच करोड़ नब्बे लाख का निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में जिसका ग्रोथ होता है छह करोड़ पैंतालीस लाख और दो में जितनी भी मराठी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने नौ करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था जहां कई मराठी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन बीट किया हुआ था इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन दिखाया था वो काबिल तारीफ थी पहला वीक फिल्म का बारह करोड़ का था दूसरा वीक चौबीस करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े जहाँ पे तीसरे वीक में इस फिल्म ने फिर से इक्कीस करोड़ का कलेक्शन किया जो पहले वीक से ज़्यादा था पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी जिसका दूसरा तीसरे वीक का कलेक्शन पहले वीक से ज़्यादा था तीसरे वीक में ये कलेक्शन करने के बाद चौथे वीक में कई दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई थी उसके बावजूद फिल्म ने दस करोड़ का कलेक्शन किया पैंतालीस दिनों के अंदर करीबन एटी करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था उसके बाद में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम रन कंप्लीट हुआ जहाँ पे ये फिल्म आ, अभी फिलहाल में सेकंड हाइएस्ट ग्रोसर फिल्म में मराठी लैंग्वेज की फिल्मों में इस, इस फिल्म ने एक कलेक्शन हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने सेकंड हाइएस्ट ऑल्ड टाइम मराठी फिल्मों में ग्रोसिंग कलेक्शन किया वो था नब्बे करोड़ पचास लाख पाँच करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे नब्बे करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ओ राइट्स भी खरीदे हुए थे जिसका मतलब फिलहाल में फिल्म डिज्नी प्लस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जहां पे मराठी और हिंदी दोनों वर्जन इस फिल्म का जो हिंदी है वो सभी एक्टर से, उन्होंने इस फिल्म की की तो, तो बाईपन भारी देवा फिल्म का हिंदी वर्जन देखने में भी आपका किरकिरा नहीं होगा ओरिजिनल आर्टिस्ट के द्वारा ही फिल्म को डब किया हुआ है तो फिलहाल में फिल्म आपको डिजनी प्लस के ऊपर मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में भी इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बाइपन

इस फिल्म के साथ जितने भी जोड़े इंटरेस्टिंग तथ्य थे वो भी शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू